बुकलेट का पेज नंबर 83, बुकलेट का पेज नंबर 83, देखो बुकलेट का पेज नंबर 83, जिसके अंदर मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। देखो इसमें क्या होने वाला है, अगर आप इसके डायग्राम को ध्यान से देखें, नीचे जो बना हुआ है एनसीईआरटी की डेरिवेशन है और इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली एनसीईआरटी के अंदर तो कुछ भी डेरिवेशन आ सकती है। ये आपके पास एक सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप है, अगर आपको याद हो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी किया था, एक चार्ज्ड सर्कुलर लूप है, एक चार्ज्ड लूप के एक्सिस के ऊपर ई निकाल कैसे निकालते हैं ये हमने डिस्कस किया था, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के सेकेंड चैप्टर में हमने ई भी निकाला था, याद है, ई को डायमेट्रिकली दो एलिमेंट्स लेते थे और उसके एलिमेंट का एक कॉम्पोनेंट कैंसिल हो जाता था, दूसरा ऐड हो जाता था और इंटीग्रेशन करके हम आंसर निकालते थे। सेम क्वेश्चन है, इसमें करंट कैरिंग लूप है, करंट जा रहा है इसमें, ये इसका एक्सिस है, ये ना इस एक्सिस के ऊपर इस करंट कैरिंग लूप ने टोटल बी कितना लगाया, ये क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर एक्सिस के ऊपर बी कितना है, एक्सिस ये रहा इमेजिनरी या बी कितना है, नो डाउट इसमें। तो ये फिगर में जो लूप है ये बोर्ड के बाहर आ रही है बिल्कुल ऐसे जैसे ये लूप बाहर आई हुई है, तो इस लूप के एक्सिस पे मुझे बी निकालना है, ठीक है। आता इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक पॉइंट बड़े अच्छे से समझ रहे हैं तो ईजी हो जाएगा समझना, वाइट समेट लॉ हमने वेक्टर फॉर्म में सीखा था, डीवी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, क्या था, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यू, ये रिजल्ट था। फिर क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो रहा है तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर डीएल वेक्टर की डायरेक्शन आई कैप में है, आर वेक्टर की डायरेक्शन जे कैप में है, तो आई क्रॉस जे डीवी वेक्टर की डायरेक्शन किस में आएगी, के में आएगी, ये बात समझते हो, क्योंकि i क्रॉस j के ऊपर है, इट मींस कि dv वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू dl वेक्टर एंड dv वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, या तो क्लियर है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो रिजल्ट होता है वो दोनों इंडिविजुअल वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल ही बनाता है, ये भी स्टेप क्लियर है यहां तक। तो इस चीज को ऐसे पूछा जाए कि सपोज करो ये आपका dl वेक्टर है, मान लो ये पेन dl वेक्टर है, ये मान लो dr वेक्टर है, dl वेक्टर या r वेक्टर है, dl वेक्टर r वेक्टर, तो dv वेक्टर कैसे होगा, या तो इनके इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा, यानी इन दोनों के 90 डिग्री पे होगा, नो डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। तो dv वेक्टर आउट ऑफ प्लेन होगा, अगर ये दो वेक्टर एक प्लेन में है तो dv वेक्टर आउट ऑफ प्लेन, क्रॉस प्रोडक्ट है तो इस प्लेन में तो नहीं कम से कम। फिर ध्यान से सुनो, अगर सपोज करो ये डीएल वेक्टर है, तो ये डीएल वेक्टर है, और सपोज करो ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, तो ये डीएल वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, तो डीवी वेक्टर कहाँ होगा, ऐसे होगा, सीधा नहीं होगा, सीधा होगा तो 90 डिग्री एंगल लिखना है, मैंने ये टेढ़ा रखा है, कैसे 90 कैसे बनाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ताकि इसके साथ एंगल क्या बनेगा, ब्लू पेन के साथ 90, इसके साथ तो ऑलरेडी 90 है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि तीनों वेक्टर 90 डिग्री पे होंगे, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये डी एल वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, तो डी वी वेक्टर आर वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाएगा, 90, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डी वी वेक्टर आर वेक्टर के साथ एंगल क्या बनाएगा, 90, ठीक है। यहाँ तक शुरू करते हैं, सपोज ये सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप में करंट कहां जा रहा है, इस तरफ, ठीक, और क्योंकि मेरे को आज की डेट में सिर्फ वाइट सर्वर्ट लॉ आता है जो स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से डीवी निकालता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो इंटीग्रेशन से निकलता है, तो हम तो पहले स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद से इंटीग्रेट करके टोटल आएगा, तो एक काम करते हैं कि स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं डीएल, करंट बोलो कहां जा रहा है, आपकी तरफ, इधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो मैं डीएल यहां लूं, मैंने डीएल यहां ले लिया, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन आपकी तरफ बनेगी, मेरी तरफ नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि करंट आपकी तरफ आ रहा है, करंट इस तरफ जा रहा है तो डीएल वेक्टर भी ये रहा, तो मैंने इस लूप का स्मॉल एलिमेंट ले लिया, कितना, डीएल वेक्टर, नो डाउट इसमें, तो ये लूप बाहर आ रहा है,
ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल dl वेक्टर, इस लूप का रेडियस कितना है कैपिटल r, और हमने स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूरी पे निकालना है स्मॉल r, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसको इसमें समझते हैं ज्यादा आसान होएगा। ये क्या है dl वेक्टर, ये dl वेक्टर, तो ये रहा वो dl वेक्टर, ये को क्या dl वेक्टर, मेरे को b कहां निकालना है एग्जैक्टली इसके एक्सिस पे निकालना है, तो मेरे को एक्सिस पे निकालना है। तो बायट सर्वर्ट लॉ क्या कहते हैं कि dl की दूरी बताओ, dl कितनी दूरी पे है इस एलिमेंट से, तो इस एलिमेंट से क्योंकि b तो मुझे यहां निकालना है बिल्कुल एक्सिस के सेंटर पे, तो r वेक्टर कहां बनेगा, r वेक्टर यहां से यहां बनेगा डायरेक्ट एलिमेंट से सीधा डिस्टेंस, ये इमेजिन कर पा रहे हो, क्योंकि अगर बायट सर्वर्ट लॉ लगाना है तो dl की दूरी निकालनी है जहां पर हमने b निकालना है, तो क्योंकि ये dl ये रहा, ये dl है, तो इसका डिस्टेंस यहां से निकालना है, ये स्टेप समझ में आ रहा है। तो अगर ये dl है और मुझे db यहां निकालना है, तो ये डिस्टेंस ये लेना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, बायट सर्वर्ट लॉ याद है क्या होता है बायट सर्वर्ट लॉ, कि अगर ये dl है और अगर मुझे यहां पे b निकालना है, तो आप ऐसे नहीं लेते ये डायरेक्ट डिस्टेंस ये रहा, ठीक है, तो db dl वेक्टर बोर्ड पे नहीं है, dl वेक्टर ये रहा, ये लूप के इसके सर पे है ये रहा, और आप b कहां निकाल रहे हो यहां पे, तो सीधा डिस्टेंस r वेक्टर ये नहीं बनेगा, ये रहा ये पेन r वेक्टर है ये रहा, राइट, याद क्लियर है। तो r वेक्टर का मतलब dl का डिस्टेंस, dl से डिस्टेंस लेना है जहां पर हमने b निकालना है, तो ये r वेक्टर है, इमेजिन कर पा रहे हो इसे, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो इसका मतलब dl वेक्टर कहां पर है, बाहर की तरफ है, d r वेक्टर कहां पर है, ये r वेक्टर है, ये dl वेक्टर है बोर्ड के बाहर, ये r वेक्टर है ये रहा। अब ये बताओ कि dl वेक्टर बोर्ड के बाहर है, r वेक्टर यहां पे है, इन दोनों वेक्टर में एंगल क्या बनेगा, 90 क्यों, क्योंकि ये तो आउट ऑफ प्लेन जा रहा है और ये बोर्ड के ऊपर है, ये वेक्टर बोर्ड के ऊपर बना हुआ है और ये वेक्टर तो बोर्ड के बाहर ही आ रहा है dl, तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल क्या बनना है 90, कोई डाउट इसमें। तो बायट सर्वर्ट लॉ का कहते हैं कि स्मॉल एलिमेंट dl की वजह से db निकाल लें, तो स्मॉल एलिमेंट dl की वजह से db का फॉर्मूला बायट सर्वर्ट लॉ लगाओ, म्यू नॉट बाय 4 पाई i into dl sin r, एंगल किसके बीच में, किस किसके बीच में लिया जाता है, r वेक्टर में और dl में, r वेक्टर और dl वेक्टर में यहां पर एंगल कितना है 90, sin 90 डिवाइडेड बाय, ये टेढ़ा डिस्टेंस अभी निकाला था पाइथागोरस से, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्टेप क्लियर है पहला, हमने क्या लगाया बायट सर्वर्ट्स लॉ, कोई डाउट इसमें, बायट सर्वर्ट्स लॉ में एंगल चाहिए था r वेक्टर और dl वेक्टर में जो कि 90, और डायरेक्ट डिस्टेंस तो पाइथागोरस से हमने निकाल ही लिया अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है यहां तक, ओके। अब इसको थोड़ी देर में यूज करेंगे, अब दूसरी चीज का आंसर, क्योंकि dl वेक्टर अभी-अभी हमने क्या डिस्कस किया, क्योंकि dl वेक्टर बोर्ड के बाहर है, r वेक्टर ये था एडा, ये पाइथागोरस का अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ये रहा, तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये भी पूछा था, अगर ये dl वेक्टर बोर्ड के बाहर है, r वेक्टर ये रहा, तो db वेक्टर कहां बनेगा, आपने बोला था ये बनेगा, और db वेक्टर r वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाएगा 90, तो db वेक्टर ये रहा, तो db वेक्टर को मैं यहां रखूं, बस ये याद रहे कि db वेक्टर इस रेड पेन r वेक्टर के साथ एंगल 90 बनाएगा, यहां रखूं यहां रखूं यहां रखूं या यहां रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां रख लेता हूं, वो क्यों, क्योंकि जहां मुझे b निकालना है वहीं रखूंगा ना, तो मुझे b कहां निकालना है, यहां निकालना है, तो यहां रख लेता हूं। तो ध्यान से देखना, dl वेक्टर बोर्ड के बाहर है जो दिख नहीं रहा, r वेक्टर ये रहा, db वेक्टर ये रहा, db वेक्टर, db वेक्टर ने r वेक्टर के साथ एंगल क्या बनाना है 90, ये स्टेप समझ में आया, तो प्लीज यहां पर 90 डिग्री बना लेना, इसके इसके बीच में 90 डिग्री एंगल पूरा बना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, क्लियर है, और ये काफी लंबी उससे जल्दी से समझ में आता है, ये एक बारी में समझ में नहीं आता कि dl वेक्टर यहां क्यों बन गया, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, तो dl वेक्टर इसलिए यहां बन रहा है क्योंकि वो r वेक्टर के साथ एंगल क्या बनाएगा 90,
ये स्टेप क्लियर है। अब दूसरा, तो इसका मतलब डीएल ने डीबी को यहां, डीएल की वजह से डीबी यहां लगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब भी रिंग के केस होते थे हम हमेशा डायमेट्रिकली दो एलिमेंट लिया करते थे, एक ऊपर एक नीचे, तो दो एलिमेंट लेके उनका एक कॉम्पोनेंट कैंसिल हो जाता था, एक इंटीग्रेट कर देते थे, यही है सेम है इसमें भी। सिमिलरली एक एलिमेंट इसने डीवी यहाँ लगाया इसके परपेंडिकुलर, सिमेट्री में एक और एलिमेंट लो एग्जैक्टली नीचे जिसमें वही करंट जा रहा है और आर वेक्टर सेम, ये भी क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा डीवी इस पॉइंट पर, इसका जो डीवी बनेगा वो इसके साथ क्या एंगल बनाएगा 90, तो इसका इसका डीवी इसके साथ 90, इसका डीवी इसके साथ 90, तो ये भी बना लो टोटल 90, ये टोटल 90। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो अभी तक आपने कितने एलिमेंट्स लिए? सिर्फ दो, दो एलिमेंट्स का डीवी डीवी बनाया। अब मान लो एक मिनट के लिए एंगल थीटा, तो बाइसिमेट्री इस ट्राइंगल में एंगल भी थीटा। अगर ये थीटा, ध्यान से देखना, अगर ये थीटा, ये और ये 90 डिग्री पे है, तो अगर ये थीटा तो ये कितना 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और अगर ये और ये 90 डिग्री पे है और अगर ये 90 माइनस थीटा तो बचा हुआ कितना थीटा। ये स्टेप क्लियर है? उसी तरीके से ये और ये 90 डिग्री पे है तो अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 पे है तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना थीटा। कोई डाउट इसमें? ठीक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो कुछ भी नहीं था, इधर डी थीटा थीटा वर्टिकली ऑपोजिट कर लिया करते थे। ये 3D है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है, इसमें वर्टिकली ऑपोजिट का कोई रोल नहीं है। 90 माइनस थीटा से थीटा निकलेगा। अब दो कॉम्पोनेंट्स निकलेंगे टीवी के, एक कॉम्पोनेंट टीवी कॉस थीटा, एक कॉम्पोनेंट टीवी साइन थीटा। ऐसे टीवी का टीवी कॉस थीटा, टीवी साइन थीटा, टीवी कॉस के साथ क्या कर जाएगा कैंसिल, और नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ हो जाएगा टीवी साइन थीटा, टीवी साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में उल्टा होता था, उसमें साइन कंपोनेंट कैंसिल होते थे और कॉस कंपोनेंट ऐड होते थे, इसमें कॉस कंपोनेंट कैंसिल होता है, साइन कंपोनेंट ऐड होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे डायमेट्रिकली आप एलिमेंट्स लेते जाएं, दो दो करके सबका कॉस कंपोनेंट कैंसिल होता जाएगा और साइन कंपोनेंट मेरी तरफ इकट्ठा होता जाएगा। टोटल भी निकालने के लिए कोई भी एक कंपोनेंट ले लें टीवी साइन थीटा और उसकी क्या कर दें इंटीग्रेशन, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में टीई कॉस थीटा की इंटीग्रेशन करते थे एक एलिमेंट की, उसी तरीके से इसमें टीवी साइन थीटा की इंटीग्रेशन। कोई डाउट इसमें? अच्छा, टीवी कहाँ से आएगा? ऊपर वाले पेज से आएगा। टीवी तो हम निकाल चुके बाइट सेवर्ट लॉ से, तो टीवी की वैल्यू हमारे पास क्या है? आई डी एल साइन 90 क्या है 1, और इसको करेंगे तो रूट कट जाएगा। तो इस डीवी को जरा यहाँ पुट करें, ये ध्यान से देखने वाला स्टेप है प्लीज। साइन थीटा को दो मिनट छोड़ दो, सिर्फ डीवी डीवी को पुट कर रहे हैं। डीवी की वैल्यू बोलो म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई डी एल साइन 90 तो 1 है, और ये क्या आएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पीछे इसकी वजह से एक साइन थीटा और आएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा भी। कई लोग यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि बायट सेवर्ट लॉ में थीटा क्या आया था 90, तो यहाँ भी 90 पुट कर। नहीं, ये बायट सेवर्ट लॉ का थीटा एंगल नहीं है, ये तो यहाँ ट्राइंगल का एंगल थीटा है। तो बायट सेवर्ट लॉ में तो हमने एंगल 90 ही पुट किया, तो खत्म हो गया। अब जब हमने कॉम्पोनेंट लिए, उस कॉम्पोनेंट की वजह से साइन थीटा आया। ये बायट सेवर्ट लॉ वाला डीएल और आर का एंगल नहीं है, वो तो इसमें 90 है, ये अलग एंगल है कुछ। तो ये जो कंपोनेंट है वो उस अलग एंगल की वजह से है। तो डीवी की पूरी वैल्यू हमने यहाँ पुट की और इनटू साइन थीटा। ये इसलिए क्योंकि एक कंपोनेंट लेना है डीवी का जो राइट की तरफ काम कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? डीवी की वैल्यू आपने पुट की, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लिए, और इंटीग्रेशन लेंथ की चल रही है डीएल, तो इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ डीएल 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 मिलाओगे पूरा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। पूरे सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी है 2πr, तो 0 से लेके, तो इसकी इंटीग्रेशन 2πr। क्या आ गया इसमें साइन थीटा। एक काम करो, इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू बोलो क्या होगी। साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साइन थीटा की जगह कैपिटल आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू को ऊपर पुट कर दो, ये वैल्यू आ गई। इस पूरे ब्रैकेट की पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2। तो अब चेक कर लो, इनको मल्टीप्लाई किया
मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आई इंटू पाई आर स्क्वायर टू आई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज टू पावर 3/2। इसको प्लीज बॉक्स में डालो और ये याद करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि बी की वैल्यू एक्सिस पे निकालने का फॉर्मूला है। अगर सर्कुलर रिंग के अंदर करंट है और एक्सिस पे बी निकालना है तो इसको बॉक्स में डालो, ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है आता आगे। अब क्योंकि पाई कैपिटल आर स्क्वायर लूप का एरिया है तो मैंने पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर की जगह एरिया भी पुट कर लिया। यहाँ लाइन खींच लो, ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है और मैं यहाँ तक करके आऊंगा। फिर आप कहोगे सर ये एम क्या चीज है, करंट इंटू एरिया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? ये आपका थर्ड चैप्टर है जिसमें चैप्टर का नाम ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है जिसमें स्टडी करवाया जाएगा। तो क्योंकि कैपिटल एम सीखने के लिए कम से कम 30 मिनट चाहिए तो अभी मैं उस चैप्टर को खोल के सिर्फ एक बात को समझाने के लिए नहीं करूंगा। जब मैं वो थर्ड चैप्टर करवा दूंगा तो आपको अपने समझ आएगा इसको एम क्यों लेते हैं। फिलहाल के लिए आप यहाँ तक छोड़ दो, यहीं तक चाहिए अभी दो चैप्टर तक, मेरा काम चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? वापस से शीट पे आ जाओ, शीट नंबर 56। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं लास्ट टाइम वाली शीट है 56, उसी को ओपन करें। शीट नंबर 56 में मैंने यहां पर सेम टॉपिक लिखा, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये रहा सेम डायग्राम है। पर मैंने इसका प्रूफ में लिख दिया, बुकलेट में से प्रूफ करना एनसीईआरटी का, और इसका फॉर्मूला जरूर लिख दिया। कल को कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करके जाओगे तो आपको बुकलेट खोलने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले से आपका काम चल जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, मेरी और इस डेरिवेशन में एक ही फर्क है कि इसमें रेडियस क्या लिया हुआ है, इसमें a, कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का 3/2। हमने इसमें नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स कितने कंसीडर की, सिर्फ एक, एक सर्कल का लूप। अगर इसमें दो सर्कल का लूप होता, दो बार वायर को घुमा दिया गया होता तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाता। तीन बार घुमाते तो तीन टाइम होता और n बार घुमाते तो n टाइम होता। इसीलिए n लूप्स के लिए रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, n से। डाउट इसमें? क्या पॉइंट क्लियर है? अब आपने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनती है। एक लोहे का पीस लो, कोई रॉड लो, उसके ऊपर वायर लपेटनी शुरू कर दो और करंट पास करो चाहे छोटा सा। जितने ज्यादा उसमें टर्न्स दोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही स्ट्रांग बन जाएगा, राइट? करंट बढ़ाने की जो होती है लूप्स बढ़ाने, तो ये सिंपल रिजल्ट है। आप n टाइम्स करोगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम हो जाएगा, n टाइम हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट इसमें ये भी टॉपिक आ सकता है एनसीईआरटी में और आ भी जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली सेंटर पे निकालना होता तो छोटे आर को क्या पुट कर देते, तो पॉइंट शिफ्ट हो जाता सेंटर पे। तो जब मैंने छोटे आर को जीरो पुट किया तो क्या बचा, ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा, ए क्यूब, ए स्क्वायर ए क्यूब कैंसिल तो क्या बचा, ए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टार लगा लो, बहुत काम आएगा। सर्कुलर लूप के सेंटर पे बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय रेडियस ए। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? और अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए एन तो इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, n के साथ। ज्यादा क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, एनसीईआरटी में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ग्राफ प्लॉट करो किसका, इस ये जो एक्सप्रेशन किया, ये एक्सप्रेशन किया कि b यहां कुछ और है एक्सिस पे, यहां कुछ और है सेंटर पे कुछ और है, और अगर यहां चले जाएं तो क्या होगा।
तो बी की वैल्यू आर के साथ कैसे चेंज हो रही है प्लॉट करो। तो बी की वैल्यू आर के साथ कैसे प्लॉट हो रही है, सेंटर पे बी सबसे ज्यादा होगा, लेफ्ट या राइट जाओगे एक्सिस पे तो बी कम होता जाएगा। ये ग्राफ आपको याद करना है, ये वेरिएशन शो करेगा बी आपका, ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ मार्क करो बी का। कोई डाउट इसमें? ठीक ओके। जैसे ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से भी पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बी की डायरेक्शन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बी की डायरेक्शन कैसे निकलती है, बड़े ध्यान से देखनी है, क्योंकि सारा गेम है डायरेक्शन का। तो अभी हमने क्या किया, इसमें जो मैंने लूप ली, अभी लूप को कंसिडर किया, उसमें करंट कैसे आ रहा है ऐसे, और हमने जब एक्सिस के ऊपर बी निकाला तो नेट बी कहाँ आया, इस तरफ, क्योंकि ये वाले कंपोनेंट्स तो आपस में क्या हो रहे थे, कैंसल, हर कोई कंपोनेंट यही बी प्रोड्यूस करता जा रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसके अंदर जो नेट बी है वो कहाँ आएगा, इस तरफ। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, तो नेट बी राइट की तरफ है, कब, जब करंट ऐसे जा रहे हैं। तो इतना करने की बजाय एक शॉर्टकट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शॉर्टकट, कि अगर आप एक सर्कुलर लूप में करंट जा रहा है इस तरफ और आप इसके एक्सिस पे बी की डायरेक्शन देखना चाहते हो, अपने राइट हैंड की चार फिंगर को करंट के साथ घुमा दो। थंब कहाँ आ रहा है, इस तरफ, बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बहुत सही रूल है, अगर ये सर्कुलर लूप है, करंट ऐसे घूम रहा है, तो बी मेरी तरफ आएगा, सिंपल, क्लियर है। तो एक और रूल आ गया डायरेक्शन का, अगर वायर स्ट्रेट होती तो थंब करंट के साथ, फिंगर बी बताती, लेकिन अगर वायर कर्व्ड है, आर्क है, सेमी सर्कल है, क्वाड्रेंट है, तो चार फिंगर करंट के साथ, थंब आपको बी देगा। कोई डाउट इसमें? तो बी की डायरेक्शन क्लियर है। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन देखो, देखो इसके अंदर दो कोएक्सियल लूप्स हैं, आमने सामने दो लूप्स पड़ी हुई हैं। इसके अंदर वो करंट 1 एम्पियर दे रहा है आपको, और ये 3 सेंटीमीटर वो 4 सेंटीमीटर का लूप है। तो आपको ये बताना है कि एक पॉइंट ओ है, मैं इसमें करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करूं और कितना प्रोड्यूस करूं, डायरेक्शन भी बताओ और वैल्यू भी बताओ, ताकि नेट बी ओ पॉइंट पे क्या आ जाए, जीरो। अब सबसे पहले नेट बी जीरो कब आएगा, अगर ये फर्स्ट लूप में करंट जो मैं देख पा रहा हूँ इसमें बाहर आ रहा है और फिर बोर्ड के अंदर जा रहा है। कभी कभी कई लोगों को देखने में कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें, कईयों को लगता है कि ये बाहर है ये वाली साइड और ये अंदर है, कईयों को लगता है ये बाहर है और ये अंदर है। तो इसका कोई इलाज नहीं है, क्या कैसे देखते हैं तो उसका क्या इलाज बताऊंगा। मेरे को ये ऐसे दिख रहा है कि इसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो ओ पॉइंट पर, ओ पॉइंट इसके एक्सिस पे है, तो ओ पॉइंट पे इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी बी की, ये लिखो, चार फिंगर को घुमाया इस तरफ होगी। क्या पॉइंट क्लियर है, चार फिंगर्स को ऐसे घुमाया तो बी इस तरफ होगा। तो मुझे पता है कि सामने वाले लूप में, इस लूप में करंट को कैसे होना पड़ेगा, इस तरफ, क्यों, क्योंकि जब करंट इसमें इस तरफ जाएगा तो ये बी कहां जनरेट करेगा, इस तरफ, ठीक, और मैं चाहता हूं कि इस तरफ जनरेट हो, क्योंकि इधर से प्रोड्यूस किया हुआ बी और इधर से प्रोड्यूस किया हुआ बी आपस में क्या हो जाए, कैंसल। तो अगर तो डायरेक्शन की बात करनी है, फिर तो ये लिख देंगे कि इसमें करंट की डायरेक्शन इस लूप के ऑपोजिट होगी। ऑपोजिट लिखना ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज दिख रहा है किसी को एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा है,
अगर तो श्योर हो कि क्लॉकवाइज तो फिर एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज ऐसे लिख दो कि इसके ऑपोजिट होगी, ठीक। और अगर आपको नेट भी जीरो करना है तो इनकी वैल्यूज जो ओ पॉइंट पर ये कंट्रीब्यूट करेंगे इनकी वैल्यूज भी आपस में इक्वल होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, तभी नेट भी क्या आएगा जीरो। तो फिर एक काम करते हैं, इस लूप के एक्सिस पे बी निकालते हैं। तो इस लूप के एक्सिस पे बी के इसका रेडियस 3 है, इसका ये स्मॉल आर 4 है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई इंटू आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, 2 पाई इंटू रेडियस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, करंट इसमें 1 एम्पियर है, और ये डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस पाइथागोरस से क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का रेज टू पावर 3/2। अभी किया हमने जो फॉर्मूला एक्सिस पे लगाया यही लगाया। सिमिलरली इस 4 सेंटीमीटर ने 3 सेंटीमीटर पे बी लगाना है, तो इसका फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई इसका रेडियस का स्क्वायर इंटू आई 2 और डिवाइडेड बाय अगेन 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर का रूट 3/2। तो दोनों का भी इक्वेट कर दिया, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से आई 2 कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड समझ में आ रहा है कि ये एक्सिस वाले फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, पर एक चीज ये भी समझ में आ रही है कि बिना डायरेक्शन के ये चैप्टर चलने वाला है ही नहीं। B1 B2 की वैल्यू निकाल के क्या करोगे जब ये नहीं पता कि प्लस करना है या माइनस करना है। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट बनाने जा रहे हैं यहां पे एक और, देखो क्या कि अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कुलर लूप के अंदर आई एक अमाउंट ऑफ करंट है, रेडियस आर है, सर्कल के सेंटर पे बी क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? और डायरेक्शन निकालने के लिए 4 फिंगर करंट के साथ, तो बी कहां होगा, इनवर्ट्स। और उसी तरीके से अगर ये आर्क होता, अगर ये पूरा सर्कल ना होता सिर्फ आर्क होता, ये आर्क कितना बी यहां प्रोड्यूस करेगा और आर्क कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे थीटा एंड रेडियस आर, तो ये मुझे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सर्कल के सेंटर पे ये एंगल क्या बनता है, टोटल 2 पाई। तो हम ये बोलेंगे कि अगर सेंटर पे एंगल क्या बनता है, 2 पाई, तो बी का ये फॉर्मूला है, अगर 1 बनेगा तो इसको 2 पाई से डिवाइड, और अगर एंगल क्या बनेगा, थीटा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, थीटा। ये फॉर्मूला बॉक्स में डाल लो, आर्क का फॉर्मूला बन गया, किसी भी आर्क की वजह से ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? जैसे अगर क्वेश्चन सेमी सर्कल आर्क का होता और सेमी सर्कल की वजह से हमें यहां कहा जाता बी निकालो, तो थीटा सेमी सर्कल क्या यहां बनाता, पाई, तो फॉर्मूला क्या बन जाता, थीटा आई बाय आर में थीटा की जगह पाई। और डायरेक्शन निकालने का वही तरीका, 4 फिंगर इस करंट के साथ तो बी इनसाइड। सिमिलरली इसमें अगर ये आर्क है, आर्क कितना एंगल बना रहा है, पाई बाय 4, आर रेडियस है, तो बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई, पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय आर। और डायरेक्शन निकालने का वही तरीका, करंट के साथ 4 फिंगर, बी इनसाइड, तो थीटा को रिप्लेस करते जा रहे हैं, थीटा पाई है तो पाई, पाई बाय 4 है तो पाई बाय 4। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? और डायरेक्शन के लिए मैंने एक रिमाइंडर बीच में वो नोट बनाता रहूंगा कई कई जगह, क्योंकि इस चैप्टर की प्रॉब्लम क्या है कि कुछ दिनों के बाद जब नए चैप्टर नए डायरेक्शंस आती हैं पुरानी भूल जाती हैं, तो बीच बीच में से ऐसे आपको दिखते जाएंगे पॉइंट्स, जब रिवीजन करोगे तो आपको याद आ जाएगा पिछले चैप्टर हमने क्या किया। जैसे अभी तक हमने डायरेक्शंस के क्या रूल किए कि अगर एक सर्कुलर लूप में करंट इस तरीके से है तो बी इनसाइड, और अगर ऐसे है तो आउटसाइड, अगर स्ट्रेट वायर है तो थंब करंट के साथ, पी पॉइंट पे इनसाइड और क्यू पॉइंट पे आउटसाइड। ठीक है यहां तक? तो यहां तक ही रिजल्ट्स क्लियर है, तो फिर प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
देखो ये देखो, ये क्वेश्चन है जिसमें एक ये करंट कैरिंग लूप है और ये ओ पॉइंट है जहां पर आपको नेट बी निकालना है। आई अमाउंट ऑफ करंट है और आर इसका रेडियस है, आर इसका रेडियस है, तो मैं क्या करूंगा कि कंप्लीट फिगर का बी तो मैं नहीं निकाल सकता, मैं इसको डिवाइड कर लूंगा कई सेगमेंट में। तो ये वायर नंबर वन है, ये टू है और ये थ्री है। क्लियर है? गिवन नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है कि ये वायर पीछे से आ रही है तो इनफाइनाइट से आ रही है, इनफाइनाइट पे जा रही है। ठीक है यहां तक? रूल नंबर वन, क्योंकि ओ पे बी निकालना है, वायर नंबर वन के एक्सिस पे लाई करता है ये ओ पॉइंट, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो, तो कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। आज हमने लेक्चर की स्टार्टिंग यहीं से की थी। उसी तरीके से इस वायर के एक्सिस पे लाई करता है ये ओ पॉइंट, तो इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन भी जीरो। कोई डाउट इसमें? क्या बचा? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है, म्यू नॉट बाय फोर पाए, पाए इंटू आई डिवाइडेड बाय आर। ये फॉर्मूला आ गया, ये मैंने लिख दिया हुआ यहां पे। ठीक, तो दो वायर्स का जीरो और एक का सेमी सर्कल का फॉर्मूला, साथ में डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी। सेमी सर्कल में करंट कैसे आ रहा है? इस तरीके से, चार फिंगर इस तरीके से, तो बी कैसे आएगा? इनसाइड। तो नेट आंसर क्या होगा? इन तीनों का सम, दो तो जीरो ही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा और इनसाइड। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, अब आपको फर्स्ट फिगर में, पहले फर्स्ट फिगर करते हैं, इसके अंदर बी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो ये करंट इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है, और ये पॉइंट सी पॉइंट है। तो आई करंट आ रहा है, आर रेडियस की वायर है, तो ये पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा कि सी पॉइंट इसके एक्सिस पे लाई करता है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो, और सी पॉइंट इसके एक्सिस पे लाई करता है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी जीरो। तो बचा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय फोर पाए, पाए आई डिवाइडेड बाय आर। डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए चार फिंगर ये ऐसे जाएंगी, आउटवर्ड कैसे हुआ, चार फिंगर ऐसे गई तो थंब कैसे आ रहा है? इनवर्ड। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? ध्यान आगे, चार फिंगर ऐसे आ रही हैं तो थंब कैसे आएगा? इनसाइड। तो इनसाइड आंसर आएगा क्योंकि मैंने वेक्टर के में वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों लगा दी तो ये वेक्टर बन गया। इनसाइड को क्रॉस के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? तो आप अपने पेज को उल्टा कर सकते हो, आप इतना ज्यादा बेंड ना हो इधर उधर करके, पेज उल्टा कर दे, अपने आप डायरेक्शन आ जाएगी यार। ठीक है यहां तक? ओके, बात बंद करो प्लीज, स्टार्ट करते हैं। कितने लोगों को इसका आंसर पता लग गया और इनसाइड की आउटसाइड है नेट आंसर? देखो, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ये करंट है और ये एक सर्कुलर लूप है और इस तरीके से करंट जा रहा है आई, और इसका रेडियस क्या है? आर, और ये सेंटर पे मुझे क्या निकालना है? बी निकालना है। तो गिवन नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, ये वायर एक इनफाइनाइट वायर है, तो इसमें दो वायर्स हैं, एक वायर नंबर वन इनफाइनाइट और एक सर्कुलर लूप टू। इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन सी पे निकालें। सबसे पहले वायर नंबर वन, वायर नंबर वन क्योंकि इनफाइनाइट वायर है और इसके परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस दूर हमने सी पे बी निकालना है, और हमने लास्ट टाइम किया था कि इनफाइनाइट वायर के परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस दूर बी का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट बाय फोर पाए,
इंटू टू आई डिवाइडेड बाई आर। मैग्नीट्यूड क्लियर है, डायरेक्शन बाद में बात करेंगे, वैल्यू वैल्यू क्लियर है। तो बी की वैल्यू आ गई इसमें इनफाइनाइट वायर की। और दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन कौन करेगा सी पॉइंट पे, ये सर्कुलर, सर्कल के सेंटर पे सी, तो सर्कल के सेंटर पे बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। यहाँ तक क्लियर है? तो दो फॉर्मूलाज लगेंगे इसमें, एक स्ट्रेट वायर का और एक सर्कल का। तब डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ये बताएंगे कि ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सबसे पहला काम, इसमें जो ये वाली वायर है इसमें करंट सीधा जा रहा है, तो हम स्ट्रेट लाइन है तो थंब को करंट के साथ, फिंगर सी से कैसे आएंगी बाहर। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये करंट कैरिंग वायर है स्ट्रेट। एक काम करो, जिनको समझ नहीं आ रहा बाहर निकाल लो ये वायर, तो करंट इधर जा रहा है तो ठीक तरह रखा जाएगा, थंब इधर है तो सी पॉइंट ऊपर है तो बी बाहर, नीचे होता तो अंदर, पर ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या आएगा इसमें आउटसाइड। तो ये वेक्टर आ गया इसका फर्स्ट, क्या है पॉइंट क्लियर है। अब सर्कल की बात करें, चार फिंगर करंट के साथ, तो ये भी कैसे आएगा आउटसाइड, तो ये भी आउटसाइड। तो नेट बी की जो वैल्यू आएगी वो बी वन एंड बी टू का एग्जैक्ट सम होगा, इन्हें ऐड कर दो तो आंसर आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई बाय आर कॉमन 1 प्लस कितना पाई, नेट आंसर इज आउटसाइड। कोई डाउट इसमें? तो आंसर कैसे लिखना समझ में आ रहा है, इन्हें ऐड करके कॉमन निकाल लेना और डायरेक्शन लिख देना एंड में आउटसाइड। कैसे आया? अच्छा 2 आई बाय आर आ गया, अच्छा अच्छा ठीक है 2 आई बाय आर है। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? मतलब क्लियर है? नेक्स्ट, ट्राई कर लिया, देखो जरा वेरीफाई करो। सबसे पहले ये बताओ कि ये पूरा जो डार्क कलर की जो लाइन है ये बी ओ पे कंट्रीब्यूट करेंगी। सबसे पहले मैंने इसको चार वायर्स में डिवाइड कर लिया, वायर नंबर 1, 2, 3 और 4 क्लियर है। वायर नंबर 2 का कंट्रीब्यूशन ओ पे क्या होगा, 0, क्योंकि एक्सिस के ऊपर ही ओ लाई कर रहा है। वायर नंबर 4 का भी क्या होगा, 0। वायर नंबर 1 का 1 क्योंकि आर्क है, तो बी वन का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा, थीटा का मतलब एल्फा आई डिवाइडेड बाय, इसका रेडियस क्या है ए। और जो ऊपर वाली वायर है 3 नंबर वायर है, म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा की जगह एल्फा आई डिवाइडेड बाय रेडियस क्या है बी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? एक आर्क का रेडियस ए है और दूसरे का बी है, ठीक। डायरेक्शन, जो नीचे वाली 1 वायर है इसमें करंट इस तरीके से जा रहा है तो आउटसाइड, और इसमें इस तरह तो थंब इनसाइड, तो इसमें आएगा आउटसाइड, इसमें आएगा इनसाइड, तो वेक्टर फॉर्म हो गया ये, वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट कर दी। अब एक आउटसाइड है एक इनसाइड है, मतलब क्लियर है यहां तक? एक आउटसाइड है एक इनसाइड है, तो बी की वैल्यू का मैग्नीट्यूड बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दें।
अब कौन बड़ा? जिसका रेडियस छोटा। इसके अंदर रेडियस किसका छोटा? ए का। ए का रेडियस छोटा तो B1 की वैल्यू इसमें बड़ी होगी, तो नेट जो वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड में B1 और B2 को माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई एल्फा इंटू आई 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। और क्योंकि B1 बड़ा है तो नेट आंसर भी किसकी तरफ आएगा? आउटसाइड। तो कई बार आउटसाइड की फॉर्म में बुक्स लिखती हैं, कई बार आउटसाइड को क्या लिखती हैं? डॉट लिखती हैं। एक ही बात है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, नेट भी कैन बी कैलकुलेटेड। ये देखो, इसको स्ट्रेट लाइन ज्वाइन किया तो वो इसके एक्सिस पे नहीं आ गया, तो जीरो। ये देखो, अगर ये वायर आ रही है, इधर करंट आ रहा है, ओ पॉइंट इसकी लाइन में नहीं आ गया, जीरो। उसकी लाइन में अगर आता है तो नहीं कंट्रीब्यूट करेगा ना, एक्सिस उसे बोलते हैं ना, डॉट 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 जो जा रहा है। नहीं, ऐसे नहीं वाला, नहीं। एक्सिस मतलब लाइन का एक्सिस, वायर का एक्सिस। ओके हाँ, B1 माइनस B3 है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यमन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट यहां से यहां आ रहा है और मुझे बी कहां निकालना है? मुझे बी यहां पे निकालना है। सबसे पहले रूल नंबर 1 कि ये जो वायर है, इस वायर के एक्सिस पे ओ पॉइंट लाई करता है तो इसका कंट्रीब्यूशन जीरो। फिर ऐसे इसके एक्सिस पे ओ पॉइंट लाई करता है, इसका कंट्रीब्यूशन जीरो। ठीक है, यहां तक बात बन, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब ये आर्क बन गई, ये आर्क का रेडियस आर है, क्योंकि एंगल पाई बाय 2 है तो ये 270 डिग्री होगा बचा हुआ, और 270 को मैथ्स में 3π/2 लिखते हैं, इसीलिए बी का कॉन्ट्रीब्यूशन म्यू नॉट बाय 4π एंगल 3π/2 इंटू करंट आई डिवाइडेड बाय रेडियस आर। और डायरेक्शन के लिए चार फिंगर करंट के साथ जाएंगी तो थंब कैसे आएगा? इनसाइड, तो डायरेक्शन इनसाइड हो जाएगी। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये क्वेश्चन का आंसर देखो जरा क्या होगा। ये स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, ये सेमी सर्कल में घूम गई और सेमी सर्कल में घूमने के बाद वापस इंफिनिटी पे चली गई। इसमें सपोज आई करंट आ रहा है और दिस इज सी एंड रेडियस आर, तो आपको सी पॉइंट पे नेट बी की वैल्यू बतानी है। एक बार ट्राई करो, उसको बाद में करेंगे, प्लीज पहले ये करो। तो बी की वैल्यू बतानी है आपको, ये क्वेश्चन है। बोल। नहीं 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 मत, हाँ कर सकते हैं वैसे, आर का माइनस कर दो, जरूरत क्या है यार, ऐसे ठीक है, कर सकते हैं।
इधर देखो प्लीज, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये वायर नंबर वन हो गई, ये वायर नंबर टू और ये वायर नंबर थ्री, याद है क्लियर है। वायर नंबर वन के लिए हमने, हमें ये पता है इन्फिनिटी है, हमें सी पे बी निकालना है, तो ये वायर स्ट्रेट यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो एक एंगल क्या बनेगा जीरो और एक एंगल क्या बनेगा 90। जैसे आज हमने डिस्कस किया था कि अगर एक वायर है और इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है और मुझे यहाँ पे अगर मान लो बी निकालना है तो एक एंगल जीरो लेंगे एक 90, ठीक है यहाँ तक। तो वायर नंबर वन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा म्यू नॉट बाय 4π आई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर साइन ऑफ जीरो प्लस साइन ऑफ कितना 90। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। नेक्स्ट B2 सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की वजह से म्यू नॉट बाय 4π पाई इनटू आई डिवाइडेड बाय आर, ये भी क्लियर है यहां तक, सेमी सर्कल हो गया। फिर नीचे वाली वायर का भी सेम केस है, एक एंगल जीरो का और एक 90, तो इसलिए B3 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π आई डिवाइडेड बाय आर साइन ऑफ जीरो प्लस साइन ऑफ कितना 90। कोई डाउट इसमें? डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन में फर्स्ट वायर में राइट हैंड थंब रूल करंट के साथ ये रहा, और बी कैसे आउटसाइड। तो ऐसा कर लो, आप इसे बाहर निकाल लो करंट कैरिंग वायर को ऐसे, तो करंट ऐसे जा रहा है ये रहा, पॉइंट कहां पर है नीचे, तो कैसे आएगा आउटसाइड। तो इसमें जो डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी आउटसाइड। फिर नेक्स्ट सेमी सर्कल, चार फिंगर करंट के साथ, तो थंब कैसे आउटसाइड, तो ये भी कैसे आएगा आउटसाइड। नेक्स्ट ये करंट ऐसे जा रहा है तो थंब इस तरीके से, अब क्योंकि पॉइंट कहां पर है ऊपर है, तो कैसे आएगा आउटसाइड। जिनको प्रॉब्लम आती है इसमें, या तो पेज को घुमा लें या इसको बाहर निकाल लें एक मिनट के लिए, तो करंट इस तरीके से है, पॉइंट अब ऊपर है, तो कैसे आएगा आउटसाइड, तो ये भी कैसे आएगा आउटसाइड। तो ऑब्वियसली जो नेट बी की वैल्यू आएगी, नेट बी की वैल्यू में B1 को, B2 को और B3 को हम क्या कर देंगे ऐड, और नेट डायरेक्शन भी कहां मेंशन कर देंगे आउटसाइड। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अगर नहीं, ऐसे नहीं करना होता, नहीं ऐसे नहीं कि क्योंकि ये तो इनफाइनाइट लेके आए थे, इन्फिनिटी इन्फिनिटी आंसर एक होगा, ऐसे नहीं होगा। शेप चेंज करने से बी चेंज हो जाता है, शेप चेंज के, ठीक है यहां तक। तो अब नेक्स्ट देखो, जो बोर्ड पे बना हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में एक फर्क है सिर्फ, बोर्ड पे बने हुए क्वेश्चन में बस ये वाला लूप, एक और सेमी सर्कल उसने ऐड कर दिया ऐसे बस। लेट अस सपोज ये वायर नंबर 4 है, बाकी तो एज इट इज है, वायर नंबर 4 है, तो बोलो फोर्थ का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, म्यू नॉट बाय 4π पाई इंटू आई डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि सेमी सर्कल है, लेकिन डायरेक्शन कहां पर है, अब चार फिंगर ऐसे घुमाएंगे तो कैसे इनसाइड, तो यहां पर क्या आएगा इनसाइड। ऐसा नहीं लगता कि ये आर्क ने बी बाहर जनरेट किया, इस आर्क ने बी अंदर जनरेट किया, तो इसका मैग्नेटिक और इसका मैग्नेटिक इफेक्ट आपस में कैंसल हो गया, इनसाइड आउटसाइड। तो फोर नंबर और टू नंबर की वैल्यू तो आपस में क्या हो जाएगी कैंसल, नेट आंसर इसमें आएगा क्या बचा आपके पास, 4 और 2 को उड़ा देते हैं ये लो, तो B1 प्लस B3, 1 और 3 बच जाएंगे और उनको ऐड कर देंगे आउटसाइड, तो नेट डायरेक्शन आउटसाइड आएगी और B1 प्लस B3 ही आएगी बस। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि दो सेमी सर्कल अपने B को क्या कर गए कैंसल, सार्थक क्लियर है? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट
देखो नेक्स्ट, देखो प्लीज इधर, इसमें लूप ये जो करंट जा रहा है इसमें आपको बी कहां पे निकालना है, एट पॉइंट ओ निकालना है, ओ निकालना है। तो इसके अंदर जो फोर नंबर वायर है, यार डिस्टर्बेंस हो रही है यार, फोर नंबर जो वायर है उसके एक्सिस पे ओ पॉइंट लाई करता है तो फोर तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ऐसे ही टू नंबर वायर के एक्सिस पे ओ लाई कर ये भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो फोर और टू तो गए। अब बारी है वन की, तो वन जो क्योंकि एंगल अल्फा तो बचा कितना, टू पाई माइनस अल्फा, तो वन का कंट्रीब्यूशन म्यू नॉट बाय फोर पाई एंगल थीटा थीटा इनटू आई डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है आर वन, आर वन। सिमिलरली ये आर्क ने एंगल कितना बनाया अल्फा, तो बी टू की वैल्यू म्यू नॉट बाय फोर पाई अल्फा इनटू आई डिवाइडेड बाय रेडियस आर टू, बी वन बी टू आ गया। अब इसमें इसमें करंट कैसे जा रहा है, इस तरफ ऐसे, तो इनसाइड। इसमें कैसे आ रहा है, नीचे की तरफ, तो ये भी इनसाइड, दोनों इनसाइड। फिर से इसमें करंट कैसे आ रहा है, ये देखो ऐसे थंब इनसाइड। इसमें कैसे आ रहा है, नीचे थंब इनसाइड। किसमें, इसमें, इसमें ऐसे नहीं आ रहा ये करंट, ये रहा चार फिंगर ऐसे, आप लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हो, राइट लगाना है, ठीक हो गया, इनसाइड और इनसाइड। तो दोनों को क्या करना है, एड, राइट हैंड लगाना है, लेफ्ट नहीं लगाना, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, देखो देखो इस क्वेश्चन में आपने इस पूरे डायग्राम को दो हिस्सों में बांट लिया, एक स्ट्रेट वायर और एक ये आर्क। जो तो आर्क है ऊपर वाली आर्क, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो क्लियर है म्यू नॉट बाय 4 पाई, एंगल बोलो कितना 3, क्योंकि 90 3 पाई बाय 2 इनटू आई डिवाइडेड बाय रेडियस आर, ठीक हो गया। और जो नेक्स्ट स्ट्रेट वायर है वो इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट है, और फाइनाइट से ए डिस्टेंस ऊपर मुझे बी निकालना है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने ए अज्यूम किया है, पर आप अपने न्यूमेरिकल में, क्योंकि आपको तो रेडियस आर ही गिवन होगा, आपको ए की वैल्यू खुद निकालनी पड़ेगी, कैसे, कॉस 45 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर। तो यहां पर आपको साइड पर लिखना पड़ेगा कॉस ऑफ 45 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर, तो यहां से ए इज इक्वल टू आर इंटू कॉस ऑफ 45, तो आपको ए गिवन नहीं होगा, आपको ए खुद से निकालना पड़ेगा। ए क्यों निकालना है, बिकॉज आपको एक स्ट्रेट वायर में क्या निकालना होता है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बी टू का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई आई करंट डिवाइडेड बाय कितना ए, ए का मतलब पुट कर लेना आर बाय रूट टू इन टू साइन ऑफ कितना 45 प्लस साइन ऑफ कितना 45, क्योंकि आधा आधा एंगल 45 45 होगा। तो डायरेक्शन इसमें करंट कहां जा रहा है, इस तरफ, तो बी कैसे है, इनसाइड।
इसमें करंट कैसे जा रहा है, इस तरफ, तो बी कैसे है, इनसाइड। तो दोनों वैल्यूज, दोनों की दोनों वैल्यूज कैसी हैं, इनसाइड एंड इनसाइड, तो नेट आंसर क्या होगा इन दोनों का सम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, और ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कितने को समझ में आ गया? देखो दो लूप्स हैं और एक दूसरे के अंदर इस तरीके से हैं कि इनका सेंटर कॉमन है। जो एक लूप जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ये वाली लूप जो है हॉरिजॉन्टल है जिसमें करंट ऐसे है, ठीक है, इसके सेंटर पे बी की डायरेक्शन बोलो कहां होगी, करंट ऐसे है ऊपर, ठीक, करंट ऐसे है हॉरिजॉन्टल वाली का तो ऊपर, इस लूप का नाम पी है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू पी कहां होगा, ऊपर, और सर्कल का फॉर्मूला लगा दिया म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? फिर एक ये लूप है, ये लूप है, अब ये लूप में करंट ऐसे है, तो ये लूप में करंट ऐसे है तो फिंगर्स ऐसे घूमेंगे तो बी कहां आएगा, इस तरफ, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बी का राइट है। मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि सर्कल का फॉर्मूला दोनों में एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि दोनों में करंट भी सेम है और दोनों का रेडियस भी सेम है। क्या स्टेप क्लियर है एंजल? क्लियर है? तो इस सेंटर पॉइंट पर एक लूप का कॉन्ट्रीब्यूशन ऊपर, एक लूप का कॉन्ट्रीब्यूशन इधर, और दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नेट बी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ बीपी स्क्वायर प्लस बीक्यू स्क्वायर। ये रहा, बीपी और बीक्यू की वैल्यूज हमारे पास हैं, यहां पर पुट कर देते हैं, नेट बी आ गया। क्योंकि बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो अपने को एंगल भी बताना पड़ेगा पैरेललोग्राम लॉ का, तो हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज ये एंगल कितना है थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड, पर क्योंकि बीपी और बीक्यू का मैग्नीट्यूड तो एग्जैक्टली सेम है तो टैन थीटा की रेशियो क्या आएगी, 1, थीटा क्या आएगा 45। यहां तक ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक,